हम लोग का क्रू भाई मल्टीलिंगुअल रैप क्रू है, तो हर हर एक लैंग्वेज में हम लोग रैप करते हैं। ये हिंदी में करता है, ये इंग्लिश में करता है, ये अलग हिंदी में करता है, वो भाई तमिल में करता है और ये मराठी में करता है। धारा भी कोई एक छोटा इंडिया बोला गया है, सो सात बंटाइस भी एक तरह का इंडिया रिप्रेजेंट करता है। तो फटे हार्ड लोग है, तो इन लोग के साथ ही मुझे वाइब आता है। अगर मैं अकेला बैठ के लिखता हूँ तो इतना ये वाइब नहीं आता है जैसा इन लोग के साथ बैठ के लिखता हूँ। फुल मजा आता है इन लोग के साथ मचाने का, पब्लिक को नचाने का, बहुत हार्ड लगता है। हम लोग ज़्यादा रियलिटी बताने की कोशिश करते हैं हम लोग के गाने में, तो अपना सेल्फ ज़्यादा रियल रखने ही हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। क्या है, हम लोग है चेजन सॉर्टेड है, फुल हार्ड है, परिवार है ये साथ बनता है। मेरे लिए तो एक दूसरा फैमिली है मेरा क्रूमेट। मतलब एक बात बोलना जाएगा तो धारा ही में हम लोग नहीं रहते तो हम लोग रात नहीं करते थे, अदर क्रू नहीं रहते थे, हम लोग कुछ और पढ़ाई लिखाई करते थे। पर धारा ने मेरे को काफ़ी मदद किया है आगे बढ़ने में, क्योंकि इधर ही पला बढ़ा, इधर ही सीखा, इधर ही सब कुछ हुआ है अभी तक, जो भी हुआ है इनाम को दिल से प्रेजेंट करते। मेरे मतलब हुड मेरे को इंस्पायर करता है और मेरे लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं, यही है भाई और क्या। सीधी बात, हम लोग ने ये चीज कभी फेम के लिए तो नहीं किया, हम लोग ने ये कल्चर के लिए किया। ये कल्चर हम लोग कल्चर फैलाने का था भाई, पहली बात हमें ये पसंद है इसके लिए कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। फ्यूचर में हम लोग फेमस हो ना हो, हम लोग हिप हॉप के लिए करते थे, करेंगे और करते रहेंगे। अगर भाई फ्यूचर देखा जाए ना, सात बंडाइस को देख के दूसरा एक और सात बंडाइस बनना चाहिए और वो हम लोग से हार मचाना चाहिए, समझ रहे। ए ओवरलैप मत करो रे। अरे मेरे को लगा तू रुक रहा है। मैं बोल रहा था, अभी बोलने का जरूरत नहीं था देखो ये बात।